Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 3, which is based on unit 7, financial arithmetic, exercise 7b. Jee student, exercise 7b ka hamare paas question number 3 hai. Find the rate percent in each case. Hame har case mein kya banana hai iska? Hamne rate percentage mein nikal ke dena hai. Percentage nikalne ka hamare paas formula kya tha? 100% se hum multiply karte the. Yahan pe likha hua 7 out of 28. इसका मींस क्या है कि 7 out of 28, यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 28 हैं, उसमें से अगर आपने 7 मार्क्स गेट किए हैं तो हमारे पास इसकी पर रेट परसेंटेज निकालना है हमने. तो उसको क्या करना था, हमने इसको सॉल्व करते हैं. कैसे हम सॉल्व करेंगे, 7 out of 28 का मतलब है आउट ऑफ जो वैल्यू है, यानी कि टोटल नंबर्स जो हमारे पास वो 28 है, इसमें से 7 मार्क्स गेट किए हैं. तो 7/28 multiply by 100%. परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, 100% से मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/28 यानी 7 out of 28, क्या 28 मार्क्स में से 7 मार्क्स गेट किए हैं, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. 7 1s are 7, 7 4s are 28, 100/4% हमारे पास आ गया. 100/4% के बाद 4 1s are 4, 4 25s are 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25%, यानी 7 out of 28 अगर हमने मार्क्स हासिल किए, 28 में से 7 मार्क्स हमने हासिल किए हैं, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनती है, हमने 25% मार्क्स जो है वो गेट किए हैं. जी तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 20 grams out of 50 grams, यानी कि हमने 50 grams में से 20 grams अगर हमने लिए तो हमारे पास कितने परसेंटेज बनती है वो 50 grams की. तो मैं क्या करूंगा, फिर वही मेथड जो हमने पहले किया था, 20/50 multiply by 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई इसको हम. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 0 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 100 2s are 200/5, 5% आ गया हमारे पास. इसको कैंसिल करते हैं, 5 4s are 20 40, ये 40% हमारे पास का आंसर आ जाएगा. दोबारा रिपीट कर देता हूं, 20 grams out of 50 grams हमारे पास है, यानी कि 50 ग्राम हमारे पास टोटल है, उसमें से हमने अगर हासिल किया 20 ग्राम तो हमारे पास उसकी कितनी परसेंटेज या उसकी वेटेज कितनी बनती है परसेंटेज में. इन ईच केस हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के, इसका कितना 50 ग्राम का जो 20 ग्राम है, 50 ग्राम में से वो 20 ग्राम अगर हम लेते हैं तो वो कितना परसेंटेज बनता है उसका, उस टोटल वेट का हमारे पास जो बनता है 20 ग्राम, वो 40% हमारे पास आंसर आ रहा है. 20/50 multiply by 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए. 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 100 2s are 200/5, 5 को 5 4s are 20, 40% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास है, ₹16 out of ₹150. मैंने इसको परसेंटेज बताना है, 150 में से अगर 60 रुपीज हमारे पास है मौजूद है तो वो कितने परसेंटेज बनते हैं टोटल वेटेज का, टोटल नंबर ऑफ रुपीज का वो कितने परसेंट है ₹60. तो मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करते हैं इसको, 60/150 multiply by 100%, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 150 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 5s are 15, क्या आ जाएगा, 200/5% हमारे पास आ गया. 100 2s are 200, 200/5 आ जाएगा, 5 4s are 20, 40% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 60 रुपीज जो है वो 150 का 40% होते हैं. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हमारे पास है, 44 kg out of 66 kg, यानी 66 kg हमारे पास टोटल वेट है, उसका 44 kg अगर हमने लिया तो वो वेटेज का कितने परसेंट बनता है, इस वेट का 44 kg कितने परसेंट बनता है, हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. मेथड वही है, हम क्या करेंगे, 44/66 multiply by 100% कर दिया. अब क्या से होगा, 2 से हो रहा है, 2 2s are 2 2s are 2 3s are 2 3s are into 100%, यानी 2 से कैंसिल किया, 2 2s are 2 2s are 2 3s are 2 3s are. अब देखिए कौन से सेम टेबल पे आते हैं, ये 22 है और 33 है, ये 11 के टेबल में आ जाएगा, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 2s are 11 3s are multiply by 100%. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू देखिए क्या आ रही है हमारे पास, 200/3% हमारे पास आ गया, 200/3%. अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 200 को किससे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 6s are 18,
2, 0, 3, 6 are 18, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 3, 6 are 18, 2 आ जाएगा 0, 3, 6 are 18, यानी ये इसकी वेट का कितना बनता है 66.66%। दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, 44 kg आउट ऑफ 66 kg, यानी टोटल वेट जो था वो 66 kg था, अगर उसमें से मैंने 44 kg लिया तो वो टोटल वेट का कितने परसेंट आएगा हमारे पास, मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है 44 kg कितने परसेंट बनता है। तो मैंने क्या किया, 44 को 66 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 44 को 222 आ जाएगा, 66 को फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3s are 33, 222 by 33 हमारे पास आ गया, 11 से करेंगे, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 2 by 3 into 100% आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 by 3% हमारे पास आ गया, 200 by 3% को जब मैं डिवाइड किया तो 3 6 are 18, 2 कैरी आ जाएगा बच जाएगा, 220 आ जाएगा, तो 3 6 are 18, 66.66% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 44 केजी जो है वो 66 केजी का बनता है 66.66%। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे पास है, 39.5 लीटर्स आउट ऑफ 1975 लीटर्स, यानी कि टोटल वेट जो वॉल्यूम हमारे पास है वो 1975 लीटर्स है, उसमें से अगर मैं 39.5 लीटर ले लेता हूं तो वो कितनी परसेंटेज बन जाएगा, यानी कि 39.50 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मेथड वही रहेगा हमारे पास, 39.50 डिवाइडिंग बाय 1975, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 100% के साथ, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 39.50 पॉइंट को खत्म करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3950 डिवाइडिंग बाय पॉइंट की जगह पे 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 1975 एज इट इज, और ये परसेंटेज एज इट इज, 100 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3950 डिवाइडिंग बाय 1975%। आप क्या करेंगे इसको, 3950 को डिवाइड करेंगे, 3950 को 1975 से डिवाइड कर देंगे, 1975 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 5 2s are 10, 0, 1 कैरी, 7 2s are 14, 1 15, 5, 1 कैरी, 9 2s are 18, 199, 1 2 1s are 2 एंड 1 3 39 50, 2 से अगर आप इसको करें तो 3950 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये इसका कितना बनता है, 2%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम था 1975 लीटर्स, उसको उसमें से हमने लिया कितना, उसमें से कितना किया, 39.50 लीटर हमारे पास आया, तो हमने क्या करना था, उसको फाइंड करना था परसेंटेज में, मुझे 39.50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको करने के लिए क्या करूंगा, 39.50 को डिवाइड करूंगा टोटल वॉल्यूम के साथ, 1975 हमारे पास टोटल वॉल्यूम था, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 39.50 हमारे पास है, पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट की जगह पे 1, 2 वैल्यूज उसके बाद है तो उसके बाद 2 जीरो लगा दिए, 100 आ जाएगा, 3950 डिवाइडिंग बाय 100 हो जाएगा, और ये परसेंटेज का 100 आ जाएगा, 3950 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1975, 100 से कैंसिल हो गया, 3950 ओवर 3950 डिवाइडिंग बाय 1975 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा, 3950 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास कितना बना, टोटल वॉल्यूम का जो 39.5 लीटर है वो 2% है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 2% हमारे पास बनता है 39.50 लीटर्स। जी स्टूडेंट, लेक्चर 3 का हमारे पास जो होमवर्क क्या, होम टास्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉल्व करवाया वो आपने कंप्लीटली नीट, क्लियर एंड क्लियर अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं।